क्या साड़ी एट 288? आर यू किडिंग मी? आई गॉट माई हैंड्स ऑन सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड साड़ीज फ्रॉम मीशो, वो भी सिर्फ 500 के अंदर ही. कीप ऑन वॉचिंग टूडेज वीडियो एंड यू विल फाइंड आउट हाउ. हाई गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज बनी शिखा. तो ये सारे साड़ीज मैंने मीशो से कलेक्ट किया है एंड आई वॉज लाइक ऑलस्ट्रक टू सी कि बहुत ही सिमिलर है. मतलब पूरा सिमिलर नहीं हो तो फिर काफ़ी यू नो 80% सिमिलर तो है जो सेलिब्रिटी इंस्पायर साड़ीज है उससे. तो फर्स्ट मेरा था दिस वाला लुक ऑफ दीपिका पादुकोण. वहाँ पे दीपिका ने एक ब्लैक नेट साड़ी पहना है. सो आई फाउंड द सिमिलर साड़ी. दिस इज द साड़ी विच आई हैव फाउंड. आई मीन पूरा सिमिलर है, ये पूरा नेट का है एंड इट कॉस्ट मी 390 ओनली. आई मीन 390 में तो साड़ी नॉर्मल मिलना ही इम्पॉसिबल. मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है. यह बहुत ज़्यादा पतला है. क्वालिटी वाइज इट्स लिटिल रफ, नॉट दैट बहुत ही सॉफ्ट या ऐसा कुछ है. जैसे नेट क्वालिटी होता है, इट्स लिटिल रफ. यहाँ पे तो हम लोग ने देखा कि दीपिका ने किस तरीके से इसको स्टाइल किया है विद अ ब्लैक फुल स्लीव ब्लाउज विद अ बेल्ट एंड हैव अ स्मोकी आईज एंड इफेक्ट. इस तरीके से लेट मी री स्टाइल दिस इन माई वे. साड़ी में तो कोई भी खासियत नहीं है, कोई भी डिज़ाइन ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत ही प्लेन एंड सिंपल साड़ी है बट इट्स ऑल्सो वेरी ट्रांसपेरेंट. तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ सिमिलर ब्लैक एंड वाइट और सिल्वरी करके कोई भी ब्लाउज के साथ, स्टेटमेंट ब्लाउज के साथ इसको क्यों ना स्टाइल किया जाए. आई थिंक दिस ब्लाउज इज गोइंग रियली वेल विद दिस ब्लैक प्लेन साड़ी. ऊपर मैंने एक डायमंड स्टेटमेंट ईयर रिंग पहना जो बहुत ही बड़ा एंड फ्लोई है टू मेक अ स्टेटमेंट. बालों को मैंने पीछे से ही बांध दिया नॉर्मल ताकि इट डज नॉट मेस विद द बिग ईयर रिंग. हाथ में भी मैंने एक डायमंड ब्रेसलेट पहना है एंड आई थिंक दैट्स इट. बहुत ही सिंपल नाइट आउटिंग के लिए या फिर नाइट में जाने के लिए ये लुक बहुत ही परफेक्ट है. ये मैं एक बार बाहर भी पहन चुकी हूँ दुर्गा पूजा के टाइम पे एंड आई थिंक दिस लुक इज परफेक्ट. ये जो साड़ी है इसको एम्फसाइज भी कर रहा है पूरा जब मैंने इसको रीस्टाइल किया एंड एवरीथिंग. साड़ी एंड द होल स्टाइल इज लाइक 10/10. दिस वन ये अदिति राव ने पहना था आई थिंक ऑन अ रैंप शो और मुझे ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. सो आई अगेन फाउंड अ वेरी सिमिलर वन. हाँ, दिस इज द वन जो मुझे मिला. आई लव इट. आई मीन जैसा पिक्चर में था, जैसा अदिति ने पहना था, एकदम सेम है. इसका जो प्रिंट है वो भी सेम है. आई लव द क्वालिटी, आई लव द टेक्स्चर और बहुत ही काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है. आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ सिल्क एंड शिफॉन थोड़ा, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. इसका प्राइस मुझे पड़ा था 288. क्या साड़ी एट 288? आर यू किडिंग मी? अदिति राव ने तो इसको अलग ही स्टाइल किया था विद गोल्ड ज्वेलरीज एंड बैंगल्स. लेट मी री स्टाइल दिस अगेन. ये मेरे पास एक बहुत ही पुराना गोल्डन वाला ब्लाउज था तो उसके साथ मैंने ये पहना है. जो एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन है वहाँ का जो कलर है उससे मैच अगर ब्लाउज होता तो शायद अच्छा होता, बट एक्चुअली मेरे पास था नहीं ऐसा कोई कलर का ब्लाउज, नहीं मिल रहा था. तो मैंने ये पुराने वाला ब्लाउज के साथ ही इसको स्टाइल किया. एक राजस्थानी गोल्ड ईयरिंग पहना है एंड बैंगल्स पहना है विच इज़ ऑल्सो राजस्थानी गोल्ड कलर और बालों को भी मैंने यहाँ पे खुला ही छोड़ दिया. दैट्स इट, ये था मेरा लुक एकदम नॉर्मल सिंपल. अगर आपको कुछ स्टाइल करना है तो स्किप मी लाइक अ वेरी सिंपल एंड ईजी गोइंग वाला स्टाइल कि ज़्यादा कुछ ज्वेलरी नहीं पहनना. अदिति ने स्टाइल किया था, इट वॉज लुकिंग वेरी गॉर्जियस. लाइक ऐसा कोई बिग वेडिंग में जा रहे हो या फिर कोई बड़ा ओकेशन है ऐसा था. तो मुझे मेरा वाला स्टाइलिंग तो थोड़ा अच्छा लगे. इट्स लाइक इट्स ऑन द मिनिमल एंड वेरी सिंपल साइड ऑफ द स्टाइलिंग. टॉकिंग अबाउट द साड़ी, इट इज़ आई थिंक अगेन 10/10 बिकॉज जो क्वालिटी है, जो टेक्स्चर्स है एंड सिमिलर एकदम जैसे पिक्चर में दिखा वैसा ही मिला तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद. ओके, सो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड साड़ी एंड ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है. आई थिंक आपने हज़ारों जगह पे ऑलरेडी देख चुके हो ये सिमिलर साड़ी. तो इतना ज़्यादा हाइप्ड अप हो चुका था कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ा खरीद ही लेती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ क्या ही है इस साड़ी में. बहुत ही फेमस आलिया भट्ट का साड़ी. आफ्टर दिस मूवी, आफ्टर दिस आलिया भट्ट लुक, आई थिंक ये साड़ी बहुत जगह छा गया है सब जगह पे. You know, you will find it on Amazon, on Myntra or Meesho. तो Meesho में भी मैंने ये देखा, ढूंढ ढूंढ के मुझे एक मिला साड़ी that I got and
काफ़ी सिमिलर साड़ी है, बहुत ही काफ़ी। इसका जो साइड में एम्ब्रॉयडरी भी है वो भी सिमिलर है जो साड़ी पिक्चर में है आलिया भट्ट ने पहना है वैसा। बट देयर इज़ अ बट कमिंग, येस, जो पिक्चर में आलिया भट्ट ने साड़ी पहना है इट वॉज ऑल प्लेन, इट्स शिफॉन, ये भी शिफॉन ही है बट इट वॉज ऑल प्लेन। प्लेन बहुत ही अच्छा वाला शिफॉन है बट इसका जो शिफॉन है वो थोड़ा सा शाइनी है, इफ़ यू कैन सी, आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट, बट ये थोड़ा सा प्लेन नहीं है, ये थोड़ा शाइनी शाइनी ऐसा कुछ है। इसका प्राइस मुझे पड़ा था 348। एकदम सिमिलर तो मुझे नहीं मिला जैसे आलिया भट्ट ने पहना था वैसा क्वालिटी का, इसका क्वालिटी थोड़ा सा आई थिंक डाउनग्रेडेड है, बट मुझे ये पहनने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी क्रिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस शाइनी वाला जो भी चमक रहा है उसके वजह से। यहाँ पे तो आलिया भट्ट ने नॉर्मल स्टाइलिंग किया था, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी ज्वेलरी या फिर एक्सेसरीज नहीं पहना था, सिर्फ नॉर्मल पहना था विद अ वेरी ग्रेट ब्लाउज। सो लेट मी रीस्टाइल दिस एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। यहाँ पे मैंने इस ब्लू कलर के ब्लाउज के साथ इसको पहना है, द कलर इज वेरी मच मैचिंग विद द साड़ी एंड ये इस साड़ी के साथ बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है एंड जा भी रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये ब्लाउज एटलीस्ट इस साड़ी के साथ मैच हो रहा है। मैं सोचा कि थोड़ा सा ब्लू एक्सेसराइज करते हैं, तो एक ब्लू क्रिस्टल ईयरिंग के साथ मैंने ये स्टाइलिंग किया है एंड ब्लू बैंगल्स पहना है, दिस इज अ वेलवेट बैंगल्स। एंड बालों को भी मैंने ऐसा ही खुला छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि क्यों ना ऐसा ही रखते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो दैट्स इट, ये पहनने के बाद तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड इफ़ आई गो आउटसाइड तो सन के वजह से ये थोड़ा सा अलग ही चमक चमक करेगा बिकॉज ऑफ द शाइनी ऑफ दिस साड़ी। बट जैसा मुझे एक्सपेक्टेशन था पिक्चर देख के कि आलिया भट्ट ने ऐसा पहना है वैसा तो नहीं मिला, तो आई वॉज नॉट मच हैप्पी अबाउट इट। पहनने के बाद और स्टाइल करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही बुरा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक इट्स लाइक आई एम गोना से नॉट 10 out of 10 बट एटलीस्ट लाइक 7 out of 10। सो दैट्स इट गाइज, दैट्स द एंड ऑफ टुडेज वीडियो एंड मैंने 3 ही साड़ी दिखाया फ्रॉम सेलिब्रिटी इंस्पायर दैट आई गॉट फ्रॉम मीशो। इफ यू वॉन्ट दीज साड़ीज देन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। ऑल्सो लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेलिब्रिटी इंस्पायर साड़ीज कैसा लगा, ये साड़ीज आपको पसंद आया या नहीं आया। अगर आपको जानना है कि यहाँ पे मैंने जो ब्लाउजेस पहना है जो दिखाया वो कहाँ से खरीदा, देन इस वीडियो के बाद एक वीडियो आएगा, यू कैन चेक दैट आउट, जहाँ पे मैंने डिटेल्स में डिस्क्राइब किया है कि कहाँ से मैंने ब्लाउजेस खरीदा है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फैशनेबल।